जेएनयू में दो छात्र गुटों में बीती रात मारपीट हो गई। स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया में बैठक के दौरान यह हंगामा हो गया। लेफ्ट गुट के छात्रों ने मारपीट की, आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाया गया। मारपीट में एबीवीपी के कई छात्र घायल भी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल छात्रों को एम्स में भर्ती किया गया। यहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, जो यहाँ के अपने को प्रोग्रेसिव लिबरल बोलते हैं, उन्होंने अपने फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के 100 फ्लावर ग्रुप है उसके माध्यम से उस रूम में घुसते हैं और हम तो बोलते हैं कि हमारी मीटिंग होगी, आप लोग जबरदस्ती घुसाए। हम लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे काउंसलर है, हमारे 12 काउंसलर जेएनयू सू में हैं, उनके माध्यम से इस रूम में हम लोग आए हैं, हम अपनी मीटिंग खत्म करके हम चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो लोग मानते नहीं, उस ग्रुप के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से रूम में आते हैं और हमको हम पे धमकी देना शुरू करते हैं। हम बोलते हैं आधे घंटे के घंटे की मीटिंग हम खत्म कर लेंगे, हम चले जाएंगे, आप लोग करिएगा, लेकिन मानते नहीं। बोलते हैं हम जेएनयू सू हैं, हम इस रूम के मालिक हैं, हमारे काउंसलर हैं, हम सब हमारी मर्जी से इस रूम में कोई आता है तभी आता है और जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक करना, हमारे कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उस मीटिंग को पूरी तरह से डिसरप्ट कर देते हैं। शिवांक मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। शिवांक, किस बात को लेकर मारपीट हुई? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे कल एबीवीपी की मीटिंग चल रही थी। उनका कहना था कि उनकी वार्षिक मीटिंग वहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट हॉल में चल रही थी, लेकिन उसी बीच में वहाँ पर जो भी वामपंथी संगठन है जैसे आयसा या फिर एसएफआई या फिर बापसा, उनके वहाँ पर जो भी छात्र संगठन के कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर पहुँच गए और उनका ये आरोप था कि जो एबीवीपी के यहाँ पर कार्यकर्ता थे वो बिना परमिशन लेकर आए थे मीटिंग करने, इसलिए वहां पर हटाने की कोशिश करी गई। उसके बाद नारेबाजी करी गई, उसके बाद जेएनयू में एबीवीपी की तरफ से ये कहा गया कि जब उसके बाद भी नारेबाजी के बाद भी एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं हटे तो वहां पर मारपीट करी गई, जिसमें 4 एबीवीपी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक महिला भी है जिनका नाम श्रीदेवी है, एक दिव्यांग है, 2 लोगों के हाथ टूटे हैं वहां पे। तो इस तरह से कल देर रात वहां पर जेएनयू में कल पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है? जी देखिए, एबीवीपी की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी करा गया था उसमें उन्होंने कहा था कि आज वो लोग पुलिस में इस पूरे मुद्दे की जो भी शिकायत होगी उसको दर्ज करवाएंगे, साथ ही जो भी छात्र हैं जब उनका प्राथमिक उपचार हो जाएगा उसके बाद वो लोग भी जाकर, जो भी छात्र चोटिल है वो भी जाके पुलिस में जो भी आगे की कार्रवाई है उसको करवाएंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।